जागते रहो, जागते रहो करके लगातार पांच हफ्ता आज भी हम उसी मुद्दा के आधार पर करेंगे, लेकिन आपको उत्साहित करने के लिए मैं एक बात तो बोल रहा हूँ। मैं कल दिन में उसे जो बाबू गुजर गया था, उसका ना उम्र लगभग 25 है, जवान लड़का, प्रभु के लिए सेवा करने वाला, धूम रखने वाला और बाजा बजाने वाला, गीत गाने वाला, आराधना करने वाला, आज नहीं रह गया, जो परमेश्वर के घर में चला गया। उसके पिताजी से कल रात हम 9 बजे फिर जाकर के मिले थे। उसके पिताजी को अभी तक मालूम नहीं है बेटा मर गया है। अब लाशों को रखने के जो जगह है अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में मार्चरी बोलते हैं, वहां पर बेटा का लाश रखा हुआ है। पिताजी को मालूम नहीं है, माँ को मालूम है। मैं फिर इस आराधना के बाद उन लोगों से आज जाके मिलूंगा, लेकिन कल रात जब उनसे हम बात कर रहे थे, उस समय गोलू के पिताजी सिप्रियन के पिताजी ने मुझसे कहा, रॉबर्ट भैया, कि परमेश्वर का एक प्रतिज्ञा मेरे सामने है, जो परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे ना त्यागूंगा। उसने कहा संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए मैं इस गीत को आपके लिए भी गा रहा हूँ। आइए फिर से हम अपने दोनों हाथों को उठाते हुए हालेलुया, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, से प्रभु
सभा के समय में एक और बार आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपको धन्यवाद करके हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हुए आपके सामने मुंह के बल गिरते हैं, आपको महिमा करते हैं, दंडवत करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपको प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता हम जानते हैं इस संसार में हालेलुया जो भी लोग हमारे साथ हैं, एक समय आएगा वे अपने परमेश्वर पिता अपने निजी मकान अर्थात स्वर्गीय घर में वे समय समय के अनुसार चले जाएंगे, लेकिन हमेशा हमारे साथ रहने वाला तू ही मात्र एक उद्धारकर्ता, हमारा सहारा देने वाला, हमारा रक्षक परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद करते हैं सुबह के समय में तू हरदम हमारे साथ रहता है, संसार के अंत तक सदैव तू हमारे संग रहता है। परमेश्वर पिता एक और बार उस परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बेटा का लाश सरकारी अस्पताल के मार्चेरी में है, माता पिता घर में अकेले हैं। ये महान परमेश्वर उन दोनों के शांति के लिए हमारे दिल तड़पता है, आपसे विनती करते हैं उन्हें शांति से भर दे। जब आज हम आराधना के बाद उनसे मिलेंगे उनको संतावना दे, तसल्ली दे और उनको फिर से उठा के खड़ा करने के लिए हमें इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद के साथ एक और बार आज के दिन आपके वचन के द्वारा हम सबों से बोल और बातचीत कर, तू तेरी आना निकट है इसलिए हमें जागरूक कर, हमें सरगर्मी के जीवन जीने के लिए सहायता और मदद कीजिए, कहीं भी कोई तरह का लापरवाही आत्मिक जीवन में कोई न करने पाए स्वामी। परमेश्वर पिता समय और असमय को समझते हुए अपने आप को जगा के रखने के लिए सब किसी को सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमेन आमेन।